आसिम रियाज हमारी इंडस्ट्री का वो नाम है जो कि अपने दम पे, अपने बलबूते पे सबसे आगे पहुंचा है। बिग बॉस सीजन 13 में मुझे आज भी याद है, स्टार्टिंग में जब आसिम आया था उम्मीद थी, होप थी, लेकिन जब उसने ये बातें कहने लग गया था कि मेरा ये खराब हो जाएगा, हाथ खराब हो जाएंगे, फेस खराब हो जाएगा, ये वो, तब मैंने एक स्टेप बैक ले लिया था। उसके बाद लेकिन आसिम ने जो जंप मारी थी, आई एम बिकम द मोस्ट बिगेस्ट फैन ऑफ आसिम, बिकॉज वो बंदा कुछ भी कर सकता है। अब देखो भाई, आसिम का नया गाना आया खुदा से डर, अब उस गाने का रिव्यू तो बनता है। इस गाने में छुपी हुई है तीन खास बात, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दन दना दन फॉलो करना अनिवार्य है दोस्तों। तो भाई आसिम ने इस बार जो है एक अलग तरीके का एजेंडा चुना है। ज्यादातर आसिम के गानों में अपनी हार्श रियलिटी होती है कि लोग उसे किस तरीके से क्रिटिसाइज करते थे, किस तरीके से उसके नीचा दिखाते थे, किस तरीके से उसके कपड़ों से लेकर, उसके परफ्यूम से लेकर, उसकी बातों से लेकर, इन तमाम बातों पर सवाल खड़े करते थे। लेकिन अब आसिम ने अपना एजेंडा थोड़ा सा बदला है क्योंकि इन सब चीज़ों से वो उभर कर सामने आया है। अब आसिम लोगों को तीन बड़े संदेश देते हुए नजर आया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि है नंबर वन, ड्रग्स नशे से दूर रहो। यूथ की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिया का यूथ थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब का क्या हाल है ये तो हम सबको ही पता है दोस्तों, वहाँ का यूथ अकॉर्डिंग टू WHO ही रिपोर्ट आपको बता दूँ तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। अब धीरे धीरे वो उभर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, तभी तो उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनी थी। खैर अब आप लोगों को बता दूं तो आसिम ने सबसे पहले तो यही मैसेज दिया है कि यूथ जो है जो तूता करते हुए एक दूसरे को सोशल मीडिया का ज़माना बताते हुए आगे बढ़ते हैं और प्लस उसी में ही वो ड्रग्स और इसकी संगत में फंस जाते हैं, रॉन्ग, उससे बचो। दूसरा मेजर इम्पॉर्टेंट जो आसिम ने मैसेज दिया है वो है अपने माता पिता की केयर करो। जी हाँ दोस्तों, आसिम ने इस गाने के खुदा से डर, मतलब बेसिकली खुदा का खौफ दिखाते हुए, ईश्वर का खौफ दिखाते हुए ये बात बोली कि जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनसे आप डरो, यू हैव टू बी वेरी वेरी मच प्रिसाइज अबाउट थिंग्स, राइट। तीसरा उससे भी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, हिंदू मुस्लिम का झगड़े को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अक्सर जो है, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में अक्सर जो है ये बातें सामने आ जाती हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया, दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो आसिम कहता है हार्मनी में रहो और आप लोग इस तरीके से झगड़े वगड़े मत करो, क्योंकि आप लोगों को लड़ाने वाले कोई और हैं, उनकी बातों पे मत जाओ, प्यार से रहो। तो दोस्तों इस पर आपको क्या है कहना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कैसा लगा सॉन्ग ज़रूर बताइएगा, मुझे ये तीन मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सो कॉमेंट कीजिए, बताइए। चलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखें।